अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू लेकर आए हैं आईफोन 11 और 14 प्लस का। ठीक है, दोनों ही फ़ोन्स अपने टाइम के कामयाब तरीन फ़ोन्स हैं। दोनों ने मार्केट में सेल्स जो है वो ज़बरदस्त की है। आईफोन 11 2019 का मॉडल है और आईफोन 14 प्लस जो है ये 2022 का मॉडल है और 2023 में आईफोन 15 लॉन्च होने जा रहा है। ठीक है, दोनों में 6-6 कलर्स अवेलेबल हैं। ये है आईफोन 14 प्लस और ये आईफोन 11। दोनों का यूज़र इंटरफेस अभी आपके सामने है। ठीक है, पहले एक दफ़ा दोनों फ़ोन्स को देख लेते हैं। दोनों फ़ोन्स की डिटेल्स में बाद में जाएंगे, पहले फ़ोन्स चेक कर लेते हैं, यानी कि इसकी फिनिशिंग, एप्पल का लोगो, कैमरा, ठीक है, सेंसर्स वगैरह। इसकी राउंड शेप है, सारे कॉर्नर जो हैं सारे एजेस राउंड हैं। ठीक है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, रिंगर बटन, ये यहाँ चार्जिंग जैक और इसके स्पीकर, ये एप्पल का एक खूबसूरत सा लोगो और ये ज़बरदस्त फिनिशिंग में। ये है जी 14 प्लस। ठीक है, 14 प्लस और ये इसकी साइड्स हैं। ये इसका 5G एंटीना, ये लॉक बटन है, पावर बटन, 12 मेगापिक्सल के मेन कैमरा दो। ये इसका है बॉडी। ठीक है जी, फ्लैट सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा फ़र्क ये है, आईफोन 11 जो है उसके राउंड कॉर्नर्स हैं और 14 जो है इसके फ्लैट सरफेस है सारी। साइज 6.1 और 6.7 इंचेस है। ये इसका डिस्प्ले है दोनों का। ठीक है जी, अब फीचर्स पे बात करते हैं। 6.1 इंचेस स्क्रीन है लिक्विड रेटिना आईफोन 11 की और 14 प्लस की 6.7 इंचेस सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है जो 60 हर्ट्ज सपोर्टेड है। SOS कॉलिंग इसमें भी है, SOS कॉलिंग 14 प्लस में भी है। फ़र्क ये है कि 14 प्लस में क्रैश डिटेक्शन की भी अलार्मिंग है। अच्छा, सबसे बड़ा जो मेन फ़र्क है ये, क्योंकि 2019 का मॉडल है तो इसमें 4G है, 5G अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि 14 प्लस में 5G अवेलेबिलिटी है। ठीक है, कैमरा सेटअप की बात करते हैं। दोनों में 12 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, दो कैमरों के साथ 12 मेगापिक्सल का सेटअप है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑटो फोकस ट्रू डेप्थ के साथ है और सबसे जो मेन चीज़ एक है वो है बेहतरीन कलर्स के लिए 14 प्लस में फोटोनिक इंजन भी है जो कि इसमें अवेलेबल नहीं है, और इसके साथ साथ एक्शन मोड भी जो है वो 14 प्लस में है और साइनामेटिक मोड भी है। ऑप्टिकल जूम दोनों में 0.5 और 1x का है। कैमरा क्वालिटी और कैमरा रिजल्ट के लिए जो इसकी पिक्चर्स हैं वो हम वीडियो के आखिर में अपलोड कर देंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बैटरी पे। 17 आवर्स वीडियो प्लेबैक बैटरी है 11 की, जबकि 14 प्लस सपोर्ट करता है 26 आवर्स की बैटरी। एप्पल क्लेम करता है कि अब तक की जो बेस्ट बैटरी है वो 14 प्लस में है। अच्छा, चिपसेट की अगर बात करें तो A13 बायोनिक चिप है इसमें, 6 कोर GPU और 4 कोर CPU के साथ, 8 न्यूरल इंजन है इसमें 11 में, जबकि जो 14 प्लस है, ठीक है, 14 प्लस आपको मिलता है A15 बायोनिक चिप, 6 कोर CPU, 5 कोर GPU और 16 न्यूरल इंजन के साथ। दोनों ही फ़ोन जो हैं फेस ID सपोर्ट करते हैं, फेस अनलॉक सपोर्टेड है दोनों फ़ोन में। सेरामिक शील्ड फ्रंट है इसमें। अच्छा, सेरामिक शील्ड जो है डिस्प्ले है 14 प्लस का, जबकि यहाँ पे ग्लास फ्रंट और ग्लास बैक है। ये देखें, ये ग्लास फ्रंट है और ये 11 का ग्लास बैक, जबकि यहाँ पे आपको मैट फिनिश में फ्रंट जो है वो सेरामिक शील्ड है, जबकि जो बैक है इसकी 14 प्लस की वो मैट फिनिश में मिलती है। अच्छा, खासियत की बात यह है, दोनों जो फ़ोन्स के फ्रेम है वो एल्युमिनियम जो है वो एरोस्पेस ग्रेड की यूज़ हुई है। अच्छा, एक और फ़र्क यहाँ पर ये है कि जो आईफोन 14 प्लस है ये मैक सेफ और बाकी एप्पल वॉलेट वगैरह के साथ कंपेटेबल है, जबकि 11 जो है ये कंपेटेबल नहीं है। साइजेस की अगर बात करें तो कैपेसिटी में यहाँ पर आपको अवेलेबल है 64 GB और 128 GB, जबकि 14 प्लस में आपको मिलता है 128, 256 और 512 GB। इसकी मैक्स जो ब्राइटनेस है वो 1200 निट्स है और मिनिमम जो है वो 800 निट्स है, जबकि 11 में 625 निट्स जो है मैक्सिमम ब्राइटनेस है। और इसके साथ साथ अगर बात करें इसके HDR की, तो HDR डिस्प्ले 14 प्लस में अवेलेबल है, जबकि 11 प्लस में HDR डिस्प्ले अवेलेबल नहीं है। साइज़ की अगर बात करें तो दोनों की साइज़ में इतना कोई खास फ़र्क नहीं है, लेकिन वेट की अगर बात करें तो 194 ग्राम वेट है इसका 11 का और 203 ग्राम्स वेट है इसका 14 प्लस का।
चिपसेट आपको पहले बता चुके हैं, A13 और A15 बायोनिक चिप के साथ है। इतना कोई फ़र्क बज़ाहिर पता तो नहीं है, लेकिन पता तो नहीं चलता, लेकिन पबजी लोड टाइम और ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट 19-20 का फ़र्क है दोनों फ़ोन्स में। डॉल्बी विजन की सैमसंग के साथ तो कोलेब्रेशन थी ही थी, अब साथ साथ एप्पल ने भी डॉल्बी विजन के साथ कोलेब्रेशन कर ली है और दोनों फ़ोन्स में इस टाइम डॉल्बी विजन अवेलेबल है। फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर आपको HDR10 का डिस्प्ले नहीं मिलता, जबकि 14 प्लस में आपको HDR10 का डिस्प्ले मिलता है। इसके साथ साथ अगर बात करें इसकी रिकॉर्डिंग की, कैमरा सेटिंग की, तो दोनों फ़ोन्स 4K और 1080p पिक्सल्स पे ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जो मेन इशू है वो ये है, यहाँ पर आपको अवेलेबल है यहाँ पर एक्शन मोड के साथ साथ साइनामेटिक मोड, और साइनामेटिक मोड के साथ साथ इसमें आपको मिलता है फोटोनिक इंजन, जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कैमरा सेटिंग्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको टाइम लैप, स्लो मो, साइनामेटिक वीडियो, फोटो पैनोरामा और पोर्ट्रेट, इसके साथ साथ ये जो आपको मिलेगा यहाँ पर साइनामेटिक में, ये देखें वीडियो में आपको अवेलेबल है सामने एक्शन मोड, ये एक्शन मोड इसका इस टाइम अवेलेबल हो चुका है, एक्टिव हो गया। ये इसका साइनामेटिक मोड है, ये स्लो मो। ठीक है, सेम अगर बात यहाँ पर करें तो ये इसकी सेटिंग्स हैं, टाइम लैप्स, स्लो मो, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, पैनोरामा। ठीक है, दोनों को 0.5 और 1x की सेटिंग में अवेलेबल है। जूम जो है इसका 0.5 और 1x के जूम के साथ अवेलेबल है। मैक्रो फोटोग्राफी दोनों जो है फ़ोन्स आपको सपोर्ट करते हैं। दोनों फ़ोन्स में आपको फ्रंट कैम जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त और खूबसूरत किस्म को मिलता है। दोनों के फ्रंट कैम में आपको 4K रिकॉर्डिंग और 1080p पे भी रिकॉर्डिंग मिलती है, बट यहाँ पर आपको नाइट मोड अवेलेबल नहीं है। आईफोन 11 के फ्रंट में आपको नाइट मोड अवेलेबल नहीं है, जबकि 14 प्लस में नाइट मोड अवेलेबल है, फ्रंट कैम में भी नाइट मोड अवेलेबल है। दोनों फ़ोन्स में वीडियो कॉलिंग, फेस टाइम अवेलेबल है, जबकि एप्पल पे भी दोनों सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में क्योंकि अनफॉर्चुनेटली नहीं है, तो पाकिस्तान में एप्पल पे सपोर्ट नहीं है। ऑडियो प्लेबैक दोनों सपोर्ट करते हैं, वीडियो प्लेबैक भी है। साथ ही साथ अगर बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पर बैटरी जो है वो एक पुरानी QA बैटरी टेक्नोलॉजी है और वायरलेस चार्जिंग दोनों सपोर्ट करते हैं। इसका अगर वीडियो प्लेबैक देखें तो इसमें आपको वीडियो प्लेबैक 26 आवर्स का मिलता है, जबकि 11 में आपको वीडियो प्लेबैक जो है वो 17 आवर्स का है। इसी तरह ऑडियो प्लेबैक अगर करेंगे तो 65 आवर्स आपको 11 में मिलता है और 14 प्लस आपको सपोर्ट करता है अप टू 100 आवर्स। फास्ट चार्जिंग दोनों में अवेलेबल है, अप टू 20 वाट और या इससे हायर चार्जर आप यूज़ कर सकते हैं। सिम्स की अगर बात करें तो दोनों ही फ़ोन्स जो है वो ड्यूल सिम अवेलेबल है, दोनों फिजिकल सिम्स। यहाँ पर आपको दोनों फिजिकल सिम्स नैनो साइज में अवेलेबिलिटी मिलेगी 11 में। ड्यूल सिम एक्टिव है, नैनो सिम और ई सिम के साथ भी अवेलेबिलिटी है इस फ़ोन में। ठीक है, ये इसका सिम जैक है, यहाँ पर यहाँ से पिन इजेक्शन के साथ आप सिम डाल सकते हैं इसमें। ये इसका पावर बटन है और ये इसका रिंगर है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन के बटन मिल जाते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर आपको कोई भी सिम स्लॉट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये LLA मॉडल है, तो यहाँ पर दोनों ई सिम्स की जगह है, यहाँ पर आपको ई सिम्स की जगह अवेलेबल है, यहाँ पर फिजिकल सिम की जगह नहीं है। जबकि हांगकॉन्ग मॉडल में आपको दोनों फिजिकल सिम्स मिलती हैं और दुबई के मॉडल में एक फिजिकल और एक जो है ई सिम की अवेलेबिलिटी है। यहाँ पर आपको दोनों फिजिकल और ई सिम्स आपकी आसानी के हिसाब से अवेलेबल है। दोनों ही फ़ोन्स में लाइटनिंग टू सी चार्जिंग केबल अवेलेबल होती है। ठीक है, और ये इसके चार्जिंग जैक्स हैं। ठीक है, साइज़ में वाज़े फ़र्क है, 6.1 और 6.7 इंचज़ का इसका साइज़ है। ठीक है, ये इसकी साइड प्रोफाइल है। ठीक है, 14 प्लस काफ़ी बोल्ड और प्रीमियम लुक के साथ है, जबकि ये थोड़ा सा ओल्ड लुक है, क्योंकि यहाँ इसके साइड्स जो हैं वो कॉर्नर साइड्स हैं, गोल साइड्स हैं, राउंड में पूरा फ़ोन राउंड शेप में। ठीक है, ये देखें इस तरह राउंड डिज़ाइन में, लेकिन ये ज़बरदस्त किस्म की डिवाइस है। बैटरी टाइमिंग इसकी भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जो 14 प्लस है, 14 प्लस किंग है अब 13 प्लस। ये इसके साइड प्रोफाइल है। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा रिव्यू आईफोन 14 प्लस और 11 का, दोनों का कंपैरिजन वीडियो थी। अगर आपको इस तरह की और कंपैरिजन वीडियोस चाहिए तो काइंडली हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कर दीजिए आईफोन 11 और आईफोन 14 प्लस की। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।